लेट्स आस्क किशोर तिवारी साहब। किशोर तिवारी साहब नमस्कार। नमस्कार राजू जी, नमस्कार। हाउ आर यू सर? सर जबरदस्त, दो दिन जो रहे लोकसभा के अभी तक तो मजा आ गया सर। कल राहुल गांधी का भाषण, आज नरेंद्र मोदी का भाषण। कल राहुल गांधी का स्पीच सुना, आज अखिलेश का स्पीच सुना जी, अखिलेश यादव उसके बाद। हाँ, और मैंने महामहिम जो अवतार पुरुष है उनका भी सुना, पंत प्रधान जी का। तो अवतार पुरुष ने बहुत सारा समय कांग्रेस की इवोल्यूशन पर ही असिस्टमेंट पर गुजारा, बाद में वो राहुल जी पर ही उनका फोकस रहा जी। और लेकिन हाउस में इनडिसिप्लिन मुझे नजर आया। हाँ, क्या मिला कंटिन्यूसली उनके भाषण के दरमियान शाउट करते हुए क्या मिला? और कल वो जो वफादार लोग थे, वो छह लोगों ने जिन्होंने खड़ा रह के बोला कि ऐसा बोल रहे वैसा बोल रहे, तो मैं बोलता हूँ वो छह वफादारों को छोड़ दिया जाए, उन्होंने भी गलत किया। लेकिन आज कांग्रेस के या ट्रेजरी बेंचेस के लोग तो ठीक थे, वो बीच बीच में कर रहे थे, लेकिन विपक्ष के सारे ही लोग मिलकर कंटिन्यूसली शाउट करते रहे। कई लोगों के तो गले खराब हो जाएंगे आज, क्योंकि पंत प्रधान कोई ये आम पंत प्रधान होते तो अपने फोकस पर बात करके आधा घंटे में भाषण खत्म करते थे, ये तो तीन तीन घंटे भाषण देते। तो क्योंकि अवतार पुरुष को संदेश देना होता है ना, तो अवतार पुरुष का संदेश था तो। लेकिन कल जो मुद्दे उठाए थे राहुल गांधी ने, उसमें आपको मैं बताता हूं कि उन्होंने पंत प्रधान जी के चुनाव के अंदर उन्होंने जो हिंदू मुसलमान करते थे और बड़ी बड़े ढंग से किया उन्होंने, कि मुसलमानों के हाथ यानी इंडिया अलायंस के हाथ सत्ता जाएगी तो मुसलमानों के हाथ सत्ता जाएगी, और मुसलमान लोगों के हाथ में सत्ता जाएगी तो फिर वो आपके मंगलसूत्र ले लेंगे, आपके भैंस ले जाएंगे, आपके घर ले लेंगे, संपत्ति छीन लेंगे, इस प्रकार का एक नैरेटिव सेट करने का उन्होंने ट्राई किया, पर लोगों को पचा नहीं था वो। हाँ, और तो वो जो उन्होंने जो बात की थी उनके उस खिलाफ उन्होंने राहुल जी ने एक बहुत बड़ी बात की कि मैं हिंदू हूँ, मैंने पूरा सनातन धर्म का अभ्यास किया और सारे धर्मों का अभ्यास किया, कहीं इसे किसी भी धर्म में, किसी भी सनातन धर्म यानी वेदों को मानने वाले और वेदों को नहीं मानने वाले, यानी वेदों को आदर्श नहीं मानते हुए, जो वेदांत को तो सभी मानते हैं पर वेदों को आचार्य नहीं मानने वाले जो भगवान महावीर थे, जिनका जिनका जो अहिंसा परमो धर्म बात थी, महात्मा गांधी ने भी उसको मंत्र माना था। तो ये सब बातों को लेते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो जो लोग यानी इस प्रकार का जो एक सेगमेंट है जो बीजेपी में है, और वो सेगमेंट बोले तो मोदी शाह, जो लोग जिनोसाइड कर सत्ता में आए, पोलराइजेशन करके गुजरात में सत्ता में आए, और तो ये लोगों का एक फोकस था, तो उस फोकस पे उन्होंने एड्रेस किया। उसके लिए उनके पास जो लोग है, हिंटैंक लोग जो लेफ्ट माइंड के है, उन्होंने सब बना के दिया। तो शिवजी की वो शिवजी लेके आए, गुरु नानक लेके आए, ये सब लेके आए, गौतम बुद्ध भी लाए, तो यीशु क्रिस्त भी लाए, एक ऐसा नैरेटिव सेट किया। और but, तिवारी साहब, डिड यू लाइक दैट? यू नो, यू हैव बीन वाचिंग पार्लियामेंट सिंस इयर्स। पार्लियामेंट पहले देखने के लिए बहुत खूबसूरत थे, हम लोग देखते थे कि कौन कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ये दो दिन आप कैसे देखते हो, एक राहुल गांधी जी का कहना और दूसरा मोदी जी का रिस्पॉन्स? राहुल गांधी जी का एक रिस्पॉन्सिबल पोजिशन, मुझे लगा कि वो फोटो लेके आना,
यू नो अलग अलग शिव जी का फोटो दिखाना, गुरु नानक जी का फोटो दिखाना इस्लाम, तो ये ठीक था। और मोदी जी का आज रिस्पॉन्स हिंदुत्व में भी, वो आप हिंदू धर्म, फिर उन्होंने डेंगू मलेरिया ये सब उन्होंने वापस, तो इलेक्शन प्री इलेक्शन वो पूरे जो डिबेट थे वही हम लोगों को देखने मिला। हाउ डू यू सी दो दिन का डिबेट, आपको डू यू थिंक इट वॉज एडुकेटिव, देश का कुछ फायदा हुआ इसमें? देश का फायदा सरकार अडानी अंबानी का फायदा करती है और ये इलेक्शन मूड से कोई निकले नहीं। मुझे तो देखिए, मुझे आप एनालिसिस वो करने बोलेंगे तो राहुल जी को ये जो फोकस करना था कि प्राइम मिनिस्टर यह पोलराइजेशन कर रहे थे, तो डायरेक्ट बोलना चाहिए, इतनी स्टोरी राइटिंग और डायलॉग स्क्रिप्टिंग नहीं होना चाहिए थी ऐसा मुझे लगता है। और वो आपने बोला वो शिव जी वगैरह बताने का, तो उससे कोई ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुआ लोग, लेकिन राहुल जी के दूसरे प्रश्न थे जिसपे सरकार के तरफ से आंसर आना बाकी था। तो वो प्रश्न थे कि आपने जो क्लेम किए वो वैलिड नहीं है, तो जिस पर राजनाथ सिंह जी बात की, एक तो उन्होंने बोला कि ये जो एजुकेशन का बड़ा माफिया ऑपरेट होने लगा और नीट स्कैम के ऊपर उन्होंने बोला, तो अभी प्राइम मिनिस्टर जी ने आखिरी एक शब्द बोला कि हम बहुत गंभीर है और लॉजिकल कंक्लूजन पे अब आएंगे, तो देखते हैं क्या है, होता है, लेकिन उस पर उन्होंने बताया तो वो तो उन्होंने बोला। दूसरा उन्होंने अग्निवीर पे बोला, लेकिन मैं देखता हूँ कि अग्निवीर जिनको रिक्रूट किया था उसमें से कई लोग शहीद होना चालू हो गया है, तो ऐसा है कि उसमें ई फॉर बट्स बहुत है कॉम्पेंसेशन के लिए, लेकिन अग्निवीर अगर शहीद हो जाता है तो उसको स्टेटस ऑफ मार्टर्स नहीं दिया जाता है, एक बड़ा उसमें क्लॉज है। दूसरा उसको बेनिफिट्स नहीं है, बेनिफिट्स ऑफ द पेंशन एंड अदर्स, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन कॉम्पेंसेशन कई जगह पे दिया गया है, तो ये दोनों है। और राहुल जी खुद जहाँ जहाँ गए, यूपी में गए, हरियाणा में गए, वहाँ परिवारों ने कहा, जिनके घर में अग्निवीर में रिक्रूट हुए वाले लोग शहीद हुए, वो बच्चे शहीद हुए, वहाँ कॉम्पेंसेशन नहीं मिला था, तो उनको जो फीडबैक ग्राउंड से आया उस पर उन्होंने कहा। तो चलो एमएसपी की बात है तो ये एमएसपी डिक्लेयर तो सरकार करती है, लेकिन जो स्वामीनाथन ने कहा है कि सीटों यानी पूरा खर्चा जी आप ले लो और उसके बाद उसको 50% प्रॉफिट जोड़ लो, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दी गई है, तो इस साल कई जगह पर एक पिछले चार साल से एक फार्मूला है, कहीं पे 100 रुपये बढ़ाओ, कहीं 200 रुपये बढ़ाओ, और कपास में भी वही किया, तो ये सब क्या होता है कि इससे सरकार जो कृषि मूल्य आयोग या सीए अपन कहते हैं सीडब्ल्यूपी, तो वो भी है ना, जो कृषि मूल्य आयोग के लोग कैसा करते हैं कैलकुलेशन, वो सीटू लेते नहीं है, यानी जमीन और किसान का खर्चा भी लेना चाहिए उसमें, आई हुई इसका पूरा का पूरा ब्याज भी लेना चाहिए, और किसान के पे घर पे आने वाला पूरा खर्चा भी लेना चाहिए और उसके बाद नफा जोड़ना चाहिए, तो एमएसपी सी टू प्लस प्रॉफिट जोड़ने के बाद वो 10,000 हो जाती है कपास की, जो अभी 6,000 है, तो ये सब चीजें रिफ्लेक्ट होती है ना कि एमएसपी आपका लॉस मेकिंग है और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ही लॉस मेकिंग है और बनिया के हाथ में बाजार है, तो बड़ी दिक्कत होती है। दूसरी बात उन्होंने कही कि एम्प्लॉयमेंट की बात की कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है जी, इसमें 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 प्राइम मिनिस्टर का क्रेडिट लेने की क्या बात है, खुद तो पीएसयू बंद करके बैठे है, सरकार के अंदर रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, सरकार के ऑफिसेस में स्टाफ नहीं है भाई, रिटायरमेंट 10 साल से रिटायरमेंट हो रहे हैं और इन्होंने इसका चार्ज उसका उसका चार्ज इसका केवल केवल
आईएएस अफसर की भर्ती हो रही है, यूपीएससी के एग्जामिनेशन हो रहे हैं, एमपीएससी के एग्जामिनेशन भी रोड़ा है, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लेकर रीजनल सर्विस कमीशन हर जगह रोड़े बने हुए हैं, और एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर देना चाहिए। यानी क्या है कि और प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं इस पोस्ट के लिए विदाउट एग्जाम भी कर दूंगा, लेकिन वो रिक्रूटमेंट हो नहीं रहे ना। अब गांव में अगर एग्रीकल्चर असिस्टेंट नहीं है, तलाटी नहीं है, अब बाद में वहाँ का मेन होता है टीचर्स नहीं है। महाराष्ट्र में टीचर केवल 30% है जी, एग्रीकल्चर का स्टाफ 30% है। ये कैसा है कि आपके पास कोर सेक्टर के सर्विसेज को कैटर करने के लिए खुद के, और आपने सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट पे करने का सोच लिया है, ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा। तिवारी साहब, मेरी अपेक्षा ये थी कि प्रधानमंत्री जी जब जवाब देंगे ज्यादातर राहुल गांधी को इग्नोर करेंगे और साथ में दो या तीन चीजें अनाउंस करेंगे, एक तो एमएसपी, उसके ऊपर सब किसान जितने भी हैं, जितने भी गांव के लोग हैं, सब लोग इंतजार कर रहे थे कि बड़ी अच्छी खबर मिलेगी, और दूसरी चीज जो मेरी समझ में सबसे बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ी चीज थी जिसके ऊपर इंडिया अलायंस ने, जिसके इर्द गिर्द इंडिया अलायंस की कैंपेन घूमी, वो थी कि भाई 30 लाख नौकरियां जो आज की तारीख में सरकार में खाली पड़ी हैं, हम फौरन उसको भर देंगे। मैं उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी ऐसा कुछ अनाउंसमेंट करेंगे कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट जॉब जितनी है हम सब लोग वो वैकेंसीज फिल कर देंगे। सो व्हाई डू यू थिंक ही डिडंट डू दैट, किशोर तिवारी साहब? देखो, अगर सबक सीखते तो करते थे, मुझे ये नहीं मालूम। आपने बराबर बोला कि उन्होंने रोड मैप दिया नहीं जी, एटलीस्ट कोर इशू जो देश के सामने हैं उनको एड्रेस करने के लिए मैं क्या करूंगा ये उन्होंने बताया नहीं। जब वो कह रहे थे कि मुझे लोगों ने नकारा नहीं, इसका मतलब आप ये बताना चाहते थे कि कांग्रेस को नकारा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों का रोष उनके प्रति था, ये उन्होंने समझना चाहिए, और उन पे जवाबदारी है ना, वो इस देश के प्राइम मिनिस्टर है और वो सरकार में है, उनके सामने तो किसानों की आत्महत्या जैसे महाराष्ट्र के अंदर, हाँ मैं बता रहा हूँ कि दर रोज किसान 8 किसानों की आत्महत्या का एक आरा है। अमरावती जिले में तो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, यवतमाल जिले में तो आंकड़े आ गए हैं, और नांदेड़ बीड़ यहाँ पर दर रोज कम से कम 1 से 2 किसानों की आत्महत्या एक एक जिले में हो रही है, ऐसे ही आंकड़े सब तरफ होंगे। यानी किसान तकलीफ में है, रूरल इकोनॉमी डोलड्रम में है, एम्प्लॉयमेंट का इशू बहुत तगड़ा है। आपके जो आपने बोला था तो अभी भी वो 10 साल के पहले जो लॉन्च किए थे स्कीम, उस पर ही वो बोले। मुझे बताइए भाई, ये रास्ते बन जाने के बाद, इतने 150 लाख करोड़ के रास्ते बनने के बाद क्या प्रगति हुई? हमने देखा कि एक करीबन 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके एक समृद्धि मार्ग बन गया जी, यानी नागपुर से बंबई तक का जी, और समृद्धि मार्ग यानी किसान जहां आत्मघात कर रहे वो विदर्भ मराठवाड़ा के लोग समृद्ध हो जाएंगे। लेकिन समृद्धि मार्ग में समृद्ध कौन हुए? तो देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ राव शिंदे, हाँ ये प्रमुख लाभार्थी थे उसकी, और दर रोज 10-12 लोग मरते रहते। क्या है सर, पिछले साल के आंकड़े के मुताबिक 2023 के महाराष्ट्र में 2,841 या 541 किसानों ने आत्महत्या की है, 541 या 2,541 फार्मर्स हैव कमिटेड सुसाइड इन 1 ईयर। इस साल के क्या आंकड़े मुझे मालूम नहीं, आपने जो व्हाट्सएप में मुझे फॉरवर्ड किया था वो मैंने पढ़ा है कि किस प्रकार विदर्भ में इतने किसान मर गए, यवतमाल में इतने मर गए वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये हुआ सर कि जो हम लोग, मैं और आप 1999 में बात किया करते थे, आज भी हम लोग वही बात कर रहे हैं। इज़न्ट दैट शेमफुल, ये इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है सर, आप बताएं ना सर।
नहीं नहीं, मैंने उस प्रेस नोट में ये भी लिखा था कि ये इशू 2001 से भी काउंट करते तो हम विदर्भ प्रांत में ही 22,000 किसानों ने आत्मघात कर लिया है जी। अब ये 22,000 किसान आत्मघात कर रहे हैं और वो विदर्भ प्रांत में है, लेकिन दुनिया के किसी भी एक प्रांत में इतने नहीं है, और भारत के अंदर जहाँ किसानी की प्रोफेशन मेन है तो ये प्रपोर्शन नहीं है। यानी विदर्भ उत्तर सौराष्ट्र है, पर सौराष्ट्र में ये 350 है, तो ऐसा नहीं होता ना। अभी आप मुझे बताएंगे पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ सरीका है, पश्चिम महाराष्ट्र में पिछले 21 साल में 1400 किसानों के आत्महत्या है, कहाँ 22,000 और कहाँ 1400 के अंदर ग्रामीण क्षेत्र की आत्महत्या है। अब तो NCRB जो है, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड देती है, उसने भी छुपाना चालू कर दिया है, महाराष्ट्र सरकार भी छुपा रही है। मुझे ये छुपाने का कुछ नहीं है, एग्रेरियन क्राइसिस एक मेजर इशू है और मोदी जी ने उसको टैकल करने के लिए, हम देखो इशू कहाँ से चालू हो रहा है कि जमीन पर इशू यानी कल्टीवेशन कास्ट को रिड्यूस करना है, एक दूसरा भारत के अंदर जो क्रॉप बाहर से बुलाई जाती दालें और तेल, इसके ऊपर इनके यानी ऑयल सीड पे काम होना चाहिए और पल्सेस पे काम होना चाहिए, दूसरा जमीनों को रिस्टोर करने पे काम होना चाहिए, वाटर पे काम होना चाहिए, यानी आप ड्राईलैंड फार्मिंग को अवॉइड कर सकते हो, आपने प्रोटेक्टिव इरिगेशन पे काम होना चाहिए, वहाँ के पावर और बिजली पे काम होना चाहिए, ये तो बेसिक हो गया। बाद में फिर आपको आना है तो फिर आपको आउटपुट पे आना पड़ेगा, तो आपको प्रोटेक्टिव प्राइसिंग देना पड़ेगा, प्रोटेक्टिव प्राइसिंग के अंदर अब सब्सिडीज रिस्टोरेशन बहुत बड़ा मामला है, अब सब्सिडीज सरकार रिस्टोर कर रही है, डायरेक्ट कैश इंसेंटिव चालू हो गया है, महाराष्ट्र के बजट में भी दे दिया है, लेकिन कैश इंसेंटिव सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब आप सब्सिडीज रिस्टोर करने जा रहे हो, इसका सबसे बड़ा एडमिशन क्या है कि आप इन एक्टिविटीज को लॉस मेकिंग समझते हो। आपको और आपने क्रॉप पे काम कर लिया, आपने कास्ट पे काम कर लिया, अब आपको सबसे बड़ी बात है कि क्रेडिट पे काम करना, तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट यानी बैंकों का पैसा, जैसे धीरूभाई अंबानी के बच्चे को दे रहे, जैसे गौतम अडानी को दे रहे, आज जैसे आप बजाज फाइनेंस को दे रहे, उस प्रकार से किसानों को पैसा दो और उसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाओ। आज सरकार के सामने ये बहुत बड़ी समस्या है, तो सरकार बजटरी अलोकेशन मिनिमम 30% करे, मैं अभी बता रहा हूँ इस पर बुनियादी तौर पर। लेकिन क्या होगा सर होगा क्या इसके ऊपर, तो न जाने कब से बात कर रहे हैं हम लोग। नहीं नहीं, मैं एक और बात करता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट क्लाइमेट चेंज पे काम होना चाहिए, दूसरा यानी फसल बीमा योजना के अंदर किसानों को रिस्क मैनेजमेंट भी हो जाती है, दूसरा एजुकेशन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट यूनिवर्सल एजुकेशन के तरफ जाने लगा है, उन्होंने लड़कियों को पढ़ाई फ्री कर दी है, और लड़कों को क्यों नहीं की मुझे बताइए। यानी सरकार चाहती है कि गांव के लड़के पढ़े ना, सारा कैसा कैसी गवर्नमेंट है मेरे मालूम में। तिवारी साहब, वो खड़गे साहब ने कल उठाया, अपर हाउस में इश्यूज उठाया, आरएसएस, नीट, अग्निवीर, पीएम ने जिस प्रकार से कांग्रेस मैनिफेस्टो को एक धर्म से जोड़ा, चंदा दो चंदा धंधा लो, एरोगेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, बहुत अहम चीज का, आरएसएस हैज टेकन ओवर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। खड़गे साहब का चाल था कि आरएसएस ने ऑल द टॉप एजुकेशन टॉप लेवल पे पूरे आरएसएस के लोग पढ़े हैं, और हम लोग एक मनुवादी सोच, एक मनुवादी विचार, एक मनुवादी सिस्टम इस हमारे युवा पर टोकना चाहते हैं। करके साहब का चाल, हाउ डू यू हैव सीन एवरीबॉडी, यू हैव सीन द आरएसएस, यू सी द बीजेपी, यू सी द कांग्रेस, तिवारी साहब इज करके साहब राइट व्हेन ही सेज आरएसएस हैज टेकन ओवर द एजुकेशन? तिवारी साहब नहीं, एक बात तो है, आरएसएस के लोग लोगों ने जो रिकमेंड किए थे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर उनको विराजमान हो चुके हैं, और आरएसएस के लोगों ने ट्रू सेंस में काम नहीं किया, ऐसे आ रहे जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के भी जो अपन डायरेक्टर थे
हाँ उनका भी रिकॉर्ड, वो भी रिकमेंडेशन पे आए थे। तो आप आरएसएस की फिलॉसफी पे भरोसा रखो। आरएसएस में जो लोग है वो कोई परफेक्ट है ऐसा नहीं है। हाँ जैसे राम माधोसरी के लोग भी थे, हाँ बहुत करप्ट लोग है उसमें। तो आरएसएस के तरफ से आए हुए लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ढंग का काम कर रहे हैं ये कुछ नहीं है। लेकिन जो मनु के स्मृतियां हैं जिस पर दुनिया चलती थी, सनातन धर्म उस पर चलता था, अभी भी हिंदू लॉज उस पर ही गवर्न होते हैं ना। जब तक सब कुछ होता है वो मनु मनु पे ही होता है। मनु ने वर्ण व्यवस्था दी थी, बाद में उसको व्यवसाय से न जोड़ते हुए जन्म से जोड़ दिया गया, और उसके बाद ब्राह्मणों ने बहुत शोषण किया। तो मनु महाराज की जो जो स्मृतियां है उस पर बहस हो जानी चाहिए। मुझे लगता है कि समाज में कैसा रहना, समाज में क्या क्या करना और क्या क्या नहीं करना। तिवारी जी, ये तो फलसफे की बात हो गई, ये तो बड़ा लॉन्ग टर्म डिस्कशन हो गया, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, राज्यसभा में आदरणीय सम्मानीय जगदीप धनखड़ साहब, खड़गे साहब ने जब आरएसएस की बात की तो वो कहते हैं कि आरएसएस इज अ नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन नॉट स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट द आरएसएस इन दिस हाउस, यू मस्ट जस्ट सिट बैक एंड एडमायर। मतलब आरएसएस के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता राज्यसभा में, ऐसा आदरणीय सम्मानीय जगदीप धनखड़ साहब ने बोला सर। देखो जगदीप धनखड़ लो या ओम बिरला लो जी, ये है ना अपनी बुद्धि विवेक और आत्मसम्मान ये सब है ना अपने घर पे रख के आते हैं। और ये अगर अपनी बुद्धि लेके आएंगे, विवेक लेके आएंगे, सम्मान लेके आएंगे तो ये बर्ताव ढंग से करेंगे। तो एक ही कंडीशन डालना चाहिए कि ये संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं, ओम बिरला जी जैसे लोग वो उनको कैसा कौन सा सिस्टम है कि वो है ना ऐसा निकाल के रख देते, दिमाग पूरा का पूरा घर के एक कपाट में रख देंगे, फिर अपना विवेक कपाट पे रख देंगे, क्या भला क्या बुरा, सम्यकता नहीं रखेंगे। और वो पूरा दिमाग बेचकर बैठे सतीश धनखड़ साहब आपने जो बोला, वो आदमी तो परमानेंट यानी घर पे जाने के बाद भी ये दिमाग में कुछ लेता नहीं। तो ये चीजें लोग इन लोगों ने अपना दिमाग अपनी बुद्धि अपना विवेक और अपना जो आत्मसम्मान है वो उस कुर्सी पे बैठने के पहले खीसे में रख के आना और फिर घर पे छोड़ के नहीं आना। अब ये ओम बिरला घर पे छोड़ के आते हैं तो ओम बिरला जी को अल्जाइमर हो गया ऐसा कभी कभी लगता है। और सतीश और ये वफादारी के ये धनखड़ साहब वफादारी बता रहे, और बिरला जी की तो औकात नहीं है, 40,000 वोट से जो चुन के आते हैं वो तो गिर गए थे, पैसे बांटे उन्होंने। अरे ये राहुल गांधी जी ने ही टॉक्ड अबाउट ओम बिरला, ही सेड यू हैव लोअर्ड द डिग्निटी ऑफ द स्पीकर्स चेयर बाय टचिंग प्राइम मिनिस्टर मोदीज फीट। ये आपने बहुत सारे स्पीकर्स देखे, कभी आपने कोई स्पीकर देखा तो आपने ही लोकसभा में किसी के पैर छूता हो, बिकॉज ये डिग्निटी राहुल गांधी जी एक चीज जो कहा कि यू हैव लोअर्ड द डिग्निटी ऑफ द चेयर ऑफ द लोकसभा स्पीकर बाय टचिंग द फीट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्या जरूरी था कि उनके पैर छुए पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में? नहीं नहीं नहीं, इन्होंने डिग्निटी की बात कर रहे हैं आप, तो ओम बिरला जी ने अपनी कभी बुद्धि थोड़ी यूज की, उनको अमित शाह बोलेंगे वही करेंगे ना। और वो किसके कृपा से बने, किसके कृपा से बने, वो मोदी जी के कृपा से बने। तो भाई मोदी जी तो बायोलॉजिकल थोड़ी है, मोदी जी तो प्रभु का अवतार है, तो प्रभु के अवतार के चरण तो वो छूते, वो दिन रात चरण छूते, कल शाम को वो जाके चरण छू के आए, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को बोलने दिया और अमित शाह ने बोला कि आप इनको हमको संरक्षण दो, तो उनको बहुत ज्यादा कल फटकार बैठी थी, तो कल उन्होंने चरण स्पर्श फिरते किए
तो ये जो बिरला जी है ये बनिया है और ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब उनकी बेटी एक मॉडल है, वो आईएएस अफसर बनी ऐसी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको सतेज कर रहा हूँ राजीव जी, जी उन्होंने कहा है कि इकोसिस्टम को रिपेयर करूंगा। ये जो इकोसिस्टम चलती है ना आप तरीके पत्रकारों की, वो इकोसिस्टम को पूरा रिपेयर करने वाले हैं वो। अब वो कैसा करेंगे, धमका रहे थे क्या आपको, जरा देखिए ना, धमका रहे थे शायद वो तो नॉर्मल है इकोसिस्टम में। सर हम लोगों को तो धमकियां आती रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आपसे मैं नहीं, आज एक और चीज है, चलिए ये तो पार्लियामेंट की बात हो गई, लेकिन ये बताइए सर आज है 2 जुलाई, आज दूसरा दिन है सर, सर नई सीआरपीसी लागू हो गई है, मालूम है ना सर आपको, नए क्रिमिनल लॉ लागू हो गए हर जगह पे। अरे नंबर ही बदले और कुछ नहीं, नहीं सर कोई भी हवलदार उठा करके अंदर डाल सकता है अभी। अरे देखो विवाद का ही विषय रहेगा, अगर ह्यूमन राइट्स के वायलेशन होगा विवाद का विषय रहेगा, तो जो भी सिस्टम में रिफॉर्म करना है तो सोसाइटी को कॉन्फिडेंस में लेना, क्योंकि अगर रसूखदार लोग हैं तो उनका कुछ होता नहीं ना, तुमने देखा नहीं क्या पूना में, हाँ कोर्ट ही उनको जमानत देती है, आज तो बचे हुए को भी जमानत दे दी। जहाँ पर कोर्ट करप्ट हो, जहाँ पर सरकार की बात कोर्ट करता हो, वहाँ तुम क्या कर सकते हो। अभी देखो जो हम कहते हैं कि चार स्तंभ है लोकतंत्र के, तो मीडिया तो बिका हुआ है, तो आपने नजदीक से देखा मेन स्ट्रीम मीडिया पूरा बिका हुआ है, एग्जीक्यूटिव तो दुनिया भरे के करप्ट है, पॉलिटिशियन तो जन्मजात करप्ट होते हैं क्योंकि, और सबसे महत्व की बात जुडिशरी थी, तो इतनी डिग्रेडेड जुडिशरी तो मैंने देखी नहीं ना। वो कहता है कि ये केस तो कहीं टिकेगा नहीं मनीष सिसोदिया का, और अभी तक बेल नहीं दे रहे आप। महाराष्ट्र में देखो ना सुनी सुनाई बातें, आज क्या हुआ है शायद आपको मालूम नहीं है, आज क्या हुआ है शायद आपको मालूम नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी ने आज उनका उनकी बेल एप्लीकेशन आई थी सामने, और उनका भाई 17 तारीख को सुनेंगे हम लोग, लेकिन जब राउज एवेन्यू कोर्ट यानी लोअर कोर्ट ने सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने उनको बेल दे दी थी, वही हाई कोर्ट ने एकदम फौरन उस बेल को स्टे कर दिया, लेकिन अब जो बेल एप्लीकेशन वो सुनेंगे वो कहते हैं 17 तारीख को सुनेंगे। मतलब ये क्या है सर, जरा मुझे समझ में नहीं आया, मतलब आई फाइंड दिस स्ट्रेंज कि व्हाई द चीफ मिनिस्टर नॉट बीइंग ग्रांटेड बेल, व्हाट फॉर, अभी आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। नहीं गगोई पैटर्न कुछ चल रहा होगा, गगोई पैटर्न कहता हूं मैं इसे। अरे ये इतनी होस्टाइल जुडिशरी मैंने नहीं देखी, इतनी होस्टाइल जुडिशरी, नॉलेज ही नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज नहीं है, जिस कुर्सी पे बैठे हैं उसका कुछ रखते नहीं है, हाईली करप्ट। हाँ देखिए सुनी सुनाई बातों पे 13 महीने रह लिया, सुनी सुनाई बातों में कितने दिन रहेंगे हमारे अरविंद केजरीवाल मालूम नहीं। How do you see the जो charges है misuse of government machinery, misuse of enforcement agencies, केजरीवाल जी केस में आप देखो वो ठीक है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब बेल मिल जाएगा, तो दूसरा एजेंसी सीबीआई घुस जाता है, सीबीआई टेक ओवर करते, सीबीआई उसको अरेस्ट कर लेते हैं, और हमारे जुडिशरी उसको देख भी नहीं रहे, पूरे दुनिया देख के जो आम लेमैन है उसको मालूम है गलत हो रहा है कि एक एजेंसी कर रहे हैं और वो सडनली दूसरे एजेंसी आके उसको अरेस्ट कर लेते हैं, वो बेल जब पेंडिंग है, तो क्या ये जो हमने कहा कि जुडिशरी हैज टू सी एंड जुडिशरी एक्ट, एक कॉमन मैन को मालूम पड़ रहा है कि ये गलत हो रहा है, तो वाई एक एजेंसी आया वो बेल मिलने वाला दूसरे एजेंसी पकड़ के अरेस्ट कर लेते हैं। नाउ हाउ डू यू सी दिस तिवारी साहब, जो मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी बोल रहे हैं, इट्स सो अपेरेंट। मैंने बोला ना होस्टाइल। अरे सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना था, ऐसा कैसे एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को इस तरीके से आप डिसलॉज तो नहीं कर सकते, और ऊपर से अल्टीमेटली होगा क्या, अरविंद केजरीवाल कोई सहानुभूति जाएगी ना, हेमंत सोरेन की बैटरी चार्ज कर दी इन्होंने, महाराष्ट्र में
देखा ना अपोजिशन की बैटरी इन्होंने ही चार्ज कर दी। अब कैसा है, विनाश काले विपरीत होती। आज भी मोदी जी को वही अहंकार, क्या बोल रहा था आखिरी में, पहले तो एनडीए एनडीए बोला, आखिरी में आके बोल दिया अरे मोदी है तो क्या है, मोदी है तो ये है। यानी मैं तो सोचता हूँ कि वो 240 जो बीजेपी के चुन के आए हैं, इनकी हालत कैसी है, ये इनको सब मैं जीजी क्लब बोलता हूँ। जीजी क्लब यानि क्या, गुजराती गुलाम क्लब। जैसे जीजी क्लब बॉम्बे जो है उसके चेयरमैन है देवेंद्र फडणवीस, और उसके जनरल सेक्रेटरी है आशीष तेलार, और इन्होंने बम्बई में इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया है, यहाँ के सारे बिजनेस चले गए, यहाँ के सगड़े ट्रेड एक्टिविटीज चले जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं रखने का इनका पूरा प्लान है। और ये लोग है, ये आक्रांताओं को साथ दे रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस और आशीष सेलार अगर अमित शाह के बस में नहीं जाते तो ये सब कुछ नहीं होता, इतने बड़े बड़े महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट नहीं जाते, मैं अभी बता रहा हूँ। और गुजरात में कोई भी प्रोजेक्ट का एटमॉस्फेयर नहीं है, गुजरात में करप्शन परम सीमा पे है। जैसे महाराष्ट्र में किसी प्रोजेक्ट में 40% पैसे खाते होंगे तो गुजरात में 60% खाते हैं। हाँ, महाराष्ट्र में करप्शन लेवल कम है, क्योंकि यहाँ पर जैसे देवेंद्र की पार्टी, बाद में अमित शाह का कोटा, फिर हमारा किसका एकनाथ शिंदे का कोटा, अजीत पवार का कोटा, ऐसा ब्यूरोक्रेट का कोटा, उसके बाद दलालों का कोटा, ऐसा पूरा कोटा मिला के 40% तक जाता है प्रोजेक्ट में। लेकिन वहाँ तो ऐसा है कि गुजरात में यानी आपको आश्चर्य लगेगा 60% है। महाराष्ट्र में तो एक ही मालवीय साहब ही बैठते हैं गुजरात के एक तरफ से, वहां तो हर लेवल पर मालवीय बैठे हैं गुजरात में, तो कोई भी इंडस्ट्री आ नहीं सकती। और इंडस्ट्री का भारत में आना अब खत्म हो जाएगा जब तक ये 5 साल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज बहुत देना पड़ता। और चलते सर ये बता दें कि अभी क्या है कि YouTube यूनिवर्स जो है उसके अंदर बड़ी चर्चा चल रही है कि हो सकता है, आई डोंट बिलीव इट myself, लेकिन चर्चा चल रही है, हो सकता है कि आगे चल करके नीतीश बाबू और गणेश नायडू जी अगले 6 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि मिनिमम 6 महीने तो लगेंगे उनको, हो सकता है कि वो अपना सपोर्ट वापस ले लें। आपको ऐसा लगता है क्या? मुझे नहीं लगता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू जिस तरीके से उन्होंने अभी बर्ताव किया और मिनिस्ट्री नहीं ली और ये बिगर दिमाग के ओम बिड़ला जी को स्पीकर बनने दिया जो वादग्रस्त थे, उससे ऐसा लगता नहीं कि ये लोग इतने में गद्दारी करेंगे। लेकिन मुझे बहुत बहुत ज़्यादा लगता है कि कल जब राहुल गांधी हुटआउट कर रहे थे मोदी जी को, तब आपने देखा विचलित हो रहे थे सामने के रो में अमित शाह जी, वो बाजू के जो नितिन गडकरी है या दो लोग है उनको उठने के लिए बोल रहे थे, नहीं बोले, लेकिन वो उठ नहीं रहे थे भैया जी, ना तो वो बेचारे नहीं उठ रहे थे, वो देख रहे थे, मजा ले रहे थे। तो ऐसे मजा लेने वाले कल 200 के करीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मुझे लगता है मोदी को अंतर्द्वंद या भाजपा में आत्मसम्मान जागृति के वजह से मोदी जी को जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है आरएसएस इनिशिएटिव ले चुका है और आरएसएस ने इनको 75 साल का वो जो है टाइम बार वो दे दिया है, उसके बाद मोदी जी निकल जाएंगे और योगी जी या फिर नितिन गडकरी जी इसमें से जो विनो जो ज्यादा जुगाड़ जमाएंगे। यू आर लीनिंग मोर टुवर्ड्स नितिन गडकरी बिकॉज नितिन जी इज योर फ्रेंड, ही इज आवर फ्रेंड टू ऑफ कोर्स, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। नहीं नहीं, और माशाल्लाह
सर ऐसा है, महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री बनना चाहिए, हम भी मान करके चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट थैंक यू सो मच सर, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू किशोर तिवारी साहब। बट आई रियली होप द फार्मर्स एंड रूरल इंडिया गेट्स जस्टिस। अभी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि संदेश आ जाना चाहिए था। आप देखें, अगर एनालिसिस करें सीट्स का, तो रूरल इंडिया हैज वोटेड अगेंस्ट द बीजेपी, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन्होंने वोट किया है बीजेपी के खिलाफ। अरे नहीं, आपको राजू जी, मैं आपको बता रहा हूँ, वो लोग अभी तो लोगों ने मोदी जी से ज्यादा गुस्सा नहीं था, मैं अभी बता रहा हूँ, असली गुस्सा तो ये महाराष्ट्र सरकार से है। जी करेक्ट। और देवेंद्र फडणवीस अगर घूम ले महाराष्ट्र में, तो मुझे लगता है कि ये 50 में भी रह जाएंगे के क्या, और इन पे तो टपे है लोग। ये तो प्यार प्यार में दिया है वोट इतना, हाँ अब गुस्से में देंगे तो क्या होगा मुझे मालूम नहीं। थैंक यू वेरी मच। और असेंबली इलेक्शन के ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जय सियाराम, हर हर महादेव। थैंक यू वेरी मच सर, नमस्कार। जी 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 किशोर तिवारी जी, जय सियाराम नहीं बोलते सीजन पॉलिटिशियन ओल्ड टाइम से, ये इधर ओल्ड टाइम आरएसएस मैन, सबसे ज्यादा क्लोज है आरएसएस के। यस, और ये इतनी जो इनकी एडवाइस अभी भी सुनी जाती है आरएसएस में, बट वेरी अनफॉर्चुनेटली ही हैज़ टू बी इन द अदर ग्रुप। सो एंड इफ यू रिमेंबर, ही वाज एडवाइजर टू नितिन गडकरी एंड ही वाज एडवाइजर टू द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इन द सेकंड टर्म ऑफ मिस्टर मोदी। बिल्कुल। एंड वेल थिंग्स चेंज वेरी अनफॉर्चुनेटली, व्हाट हैपेंड वाज all the bureaucrats over there in the Modi government, I hope they have learned their lesson now. I mean, you are facing a huge crisis in rural India. Grameen Bharat mein ek bahut bada crisis chal raha hai sahab, uske liye main ummeed karta hu ki sab log jagruk ho jaye, kripa karke logon ki madad kare, nahi to gaon mein bahut bada crisis hone wala hai. Anyway,